हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नालंदा ग्रुप। नालंदा एजुकेशनल एकेडमी के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट। ये लाइट का पहला वीडियो है आपका। शुरू करते हैं लाइट से ही। प्रकाश है क्या चीज? सबसे पहला सवाल आता है प्रकाश, लाइट। लाइट है क्या चीज? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं, कुछ मुख्य गुणों की बात करते हैं जरा। प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण है इसका, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगों की बात की जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगों का ही एक प्रकार होता है। तो प्रकाश दूसरा चीज है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद है हमारा, प्रकाश खुद नहीं दिखता लेकिन प्रकाश दूसरी चीजों को दिखाता है। प्रकाश खुद नहीं दिखता है, खुद नहीं दिखता लेकिन दूसरी चीजों को दिखाता है, लेकिन दूसरी चीजों को दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं, प्रकाश ऊर्जा है तो किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिन ऊर्जाओं को हम पुनः पा सकें। लाखों साल से हम प्रकाश पा रहे हैं और अगले लाखों सालों तक भी हम प्रकाश पाएंगे, अतः इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रखते हैं। यह कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति। पहले तो यही बात है कि यह निर्वात में भी चल सकता है, माध्यम के साथ यह निर्वात में भी चलता है। बिल्कुल, निर्वात में चाल इसकी होती है, निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था प्रकाश के बारे में। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इसके कुछ प्रकाशिक स्रोतों के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रकाशिक स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? तो स्रोत बहुत से होते हैं प्रकाश के। टॉर्च भी हमारा स्रोत होता है, बल्ब भी हमारा स्रोत होता है, सूर्य है स्रोत, तारे हैं स्रोत, लेकिन मुख्य रूप से इसके कुछ स्रोत होते हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। एक होता है दीप्त स्रोत, जिन्हें ल्यूमिनस
ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे होते हैं अदीप्त, अदीप्त स्रोत जिन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किन्हें कहते हैं? ऐसे प्रकाश के स्रोत जो जिनके पास अपने खुद का प्रकाश हो, खुद की रोशनी हो, उसे दीप्त स्रोत कहते हैं। दीप्त को और एक नाम देते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त स्रोत। क्या एक और नाम है? प्रदीप्त स्रोत। तो ऐसे स्रोत जिनके पास खुद का प्रकाश की प्रकाश हो, वो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रदीप्त स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य हमारे हो गए, सूर्य हो गए, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। तारे हो गए, तारे हो गए, स्टार्स हो गए। इसके बाद है बल्ब, बल्ब हमारा हो गया आदि। ये सभी हमारे दीप्त प्रकाश के स्रोत हैं। इसके बाद आता है अदीप्त प्रकाश के स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश के स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है। इनके पास क्या नहीं होगा? खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा हो गया, जैसे चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और स्वयं दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा को कहते हैं अदीप्त स्रोत। इसके बाद है मनुष्य भी, इसी में आ जाएंगे, इसी कैटेगरी में आ जाएंगे मनुष्य भी। मनुष्य के बाद दीवारें हो गई, जितने भी चीजें हैं जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती अदीप्त स्रोत में आएंगी। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में हमने बात कर लिया, प्रकाशिक स्रोतों के बारे में बात कर लिया, इसके पहले हम लोग गुणों के बारे में भी बात किए हैं। अब बात करते हैं प्रकाश चलता किसमें। तो प्रकाश चलने के लिए निर्वात में भी चलता है प्रकाश, लेकिन कुछ माध्यमों में भी चलता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, अर्थात वह माध्यम जिसमें प्रकाश चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे कि वायु में प्रकाश चल रहा है, तो वायु क्या हुई? प्रकाशिक माध्यम। ठोसों में भी चलता है, ठोस भी हमारे प्रकाशिक माध्यम हो गए। द्रवों में भी, जल में चलता है, जल भी हमारा प्रकाशिक माध्यम हो गया। लेकिन ऐसे इनको कैटेगराइज नहीं किया गया, इनको बांटा गया है कुछ तीन भागों में, जो निम्न है। पहला है पारदर्शी माध्यम। पहला है कौन सा? पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाते हैं। वह माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतया गुजर जाए, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, सॉरी पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हमारा जल हो गया, जैसे जल, जल में क्या होता है? प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाता है, तो जल हमारा कौन सा माध्यम हो गया? प्रकाशिक माध्यम। जल के अलावा कांच हो गए हमारे प्रकाशिक माध्यम, सॉरी पारदर्शी माध्यम। जैसे क्या हो गया? कांच, कांच भी हमारा कौन सा माध्यम है? पारदर्शी है। इत्यादि बहुत से हैं पारदर्शी। इसके बाद दूसरा आता है जिसे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। दूसरा कौन सा है? अपारदर्शी माध्यम, माध्यम
से कहते हैं ओपेक मीडियम। तो ऐसे माध्यम या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं होता, जिससे प्रकाश गुजर नहीं सकता उसे अपारदर्शी माध्यम ओपेक मीडियम कहते हैं। जैसे कार, लकड़ी हो गई, लकड़ी में क्या है कि प्रकाश पास नहीं कर पाता है, तो लकड़ी क्या हो गई, अपारदर्शी माध्यम हो गई। लकड़ी के अलावा लोहा हो गया, निकिल हो गया, बहुत सी चीजें, ईट हो गई, पत्थर हो गए, जैसे ईट पत्थर लकड़ी इत्यादि, ये किसमें आते हैं, अपारदर्शी माध्यम में आते हैं। और तीसरा है इनके बीच वाला, तीसरा है जिसे कहते हैं अर्ध पारदर्शी माध्यम। इसे क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होते हैं, अर्ध पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए उन्हें अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसे माध्यम या ऐसे वस्तु जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए उसे अर्ध पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे तेल लगा कागज घिसा हुआ कांच और दूषित जल। तेल लगे कागज में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं उसका प्रकाश का कुछ भाग उससे पार कर जाएगा और कुछ भाग नहीं करता है, तो वो कैसा हो गया माध्यम, अर्ध पारदर्शी। तो ऐसे ही होती है, वही फिनोमिना होगा घिसे हुए कांच के साथ, वही फिनोमिना होगा दूषित जल के साथ। इनसे भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करेगा, थोड़ा सा नहीं होता है, इसे ही कहते हैं अर्ध पारदर्शी माध्यम। इसके बाद आगे चलेंगे प्रकाश किरण के बारे में। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इनको देखना पहले जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बात करते हैं किरण क्या होती है। तो देखिए प्रकाश है, प्रकाश किसी बिंदु ए से किसी बिंदु बी तक जाता है। अब यहां से यहां तक जाने में उसने जिस मार्ग को तय किया उस मार्ग को किरण कहते हैं, अर्थात यह मार्ग जो है इसी को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो प्रकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो मार्ग तय किया जाता है उसे किरण कहते हैं। किरण के बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है किरण पुंज। बीम तो बीम किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये किरण एक है, अब कई ऐसी किरणें हो गई तो इन किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इतनी चीजों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं किरण पुंजों के प्रकार के बारे में। तो किरण पुंज दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज पुंज जिन्हें कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। देखिए प्रकाश की किरणें कई स्रोतों से या कहीं से भी आती हैं और एक बिंदु पर मिलती हुई या आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरण पुंजों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये किरणें हैं, किरणें आई और आकर और एक बिंदु P पर आकर मिलती हैं। यह बिंदु P है। अब ये किरणें A, B, C और D ये आती हैं और एक बिंदु P पर मिलती हैं, तो इन किरण पुंजों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरणें आकर अगर एक बिंदु पर मिलती हैं तो इस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरा है हमारा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज पुंज जिन्हें कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकले और चारों तरफ फैलते हुए जाए, एक बिंदु से निकले और चारों तरफ फैलते हुए जाए, तो उन किरण पुंजों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक टार्च हमने लिया, हमने एक टार्च लिया, अब इस टार्च को क्या किया, हमने जलाया। तो जलाते हैं तो यहां से एक बल्ब से किरणें निकलती हैं और चारों तरफ फैलती हैं। किरणें निकली चारों तरफ फैली, तो इन किरण पुंजों को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं समांतर किरण पुंज। किसकी बात करेंगे? तीसरे वाले के, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज की बात करते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, जैसे देखिए उंगलियां हैं ना, उंगलियां एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के कैसी हों? समांतर हों, तो उन किरण पुंजों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। उन किरण पुंजों को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये था किरण पुंजों के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। देखिए प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराकर और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए कोई प्रकाश है, ये कोई सतह है, चिकना सतह है, इस चिकने या पॉलिशदार सतह से प्रकाश टकरा के जाता है, ये कोई प्रकाश है, और यहां से यह टकरा के वापस चला गया उसी माध्यम में, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए
इनमें छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इसमें। देखिए, जिस जिस सरफेस से प्रकाश टकराता है इस सरफेस को परावर्तक तल, परावर्तक तल कहते हैं। अब इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर यह प्रकाश आएगा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये जो है हमारा प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहां तक तो ठीक है। अब आपतन बिंदु पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक आभासी रेखा खींचते हैं, या वो आभासी रेखा बनाई जाती है। इस आभासी रेखा को हम नाम लेते देते हैं अभिलंब, इसको हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल, नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल का काम क्या है, यह कोण को बताता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। यह सदैव जो परावर्तक तल होता है उसके लंबवत बनाया जाता है, अर्थात ये परावर्तक तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, कोण आई, इस आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, इस आई को हम कहेंगे आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट से कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा है यह कोण आर, परावर्तन कोण, इस कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। अब देखिए, अब इन दोनों कोणों के बारे में एक चीज ध्यान देना चाहिए कि यह सदैव अभिलंब से मापे जाते हैं। ये कहां से मापे जाएंगे, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण होता है, न कि सरफेस से और आपतित किरण के बीच। कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है, तो कोण कहां से कहां तक होगा, अभिलंब से आपतित किरण के बीच। तो ये थी इन टर्मिनोलॉजी, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। इसे कहेंगे जो किरण आएगी उसे आपतित किरण, और जो किरण जाएगी उसे परावर्तित किरण, बीच में जो परावर्तक तल से लंबवत खींचा जाता है उसे अभिलंब, तथा जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आके गिरेगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश आएगा और सरफेस से टकरा के वापस चला जाएगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब एक बात आता है कि प्रकाश जब परावर्तित होती है तो कुछ नियमों का पालन करती है, कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करती है, उन्हीं रूल्स को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ने क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। तो परावर्तन के दो नियम है, पहला नियम क्या है, इन दोनों नियमों से पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण,
परावर्तित किरण किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम है, ये जो आपतन कोण का मान होता है एंगल आई, वह सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, हमेशा बराबर होगा। आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला वीडियो जल्द से जल्द आएगा, परावर्तन के बाद अगले टॉपिक, हम अगले टॉपिक में हम मिरर पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे और दर्पण के उन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।